ये हाइड्रोपोनिक है। हाइड्रोपोनिक ये हाइड्रोपोनिक है, हाँ, इसके अंदर हमने टमाटोज लगाए हैं जो और इस टाइम पे फुल ब्लूमिंग पे हैं और फुल ग्रोथ पे हैं। अच्छा, और तो इसकी ये अगर मैं टमाटर के ऊपर देख रहा हूँ भी कुछ डस्ट सी लगी है, ये दाग से लगे हैं, ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं? कोई स्प्रे किया हुआ है? ये इस पे हमने NPK 19-19-19 का स्प्रे किया हुआ है, वो जो अच्छा उसके ऊपर बाकी जो डस्ट होती है वो उसके ऊपर ऐसे ही स्टिक हो जाती है, अदरवाइज है कुछ नहीं है, ये इजीली एन पी मूवेबल। के, ये नाइट्रोजन फास्फोरस नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम। पोटाशियम का, अच्छा, 1919 क्या उन्नीस है? उन्नीस इसकी वैल्यूज़ हैं, जिसमें 90% 19-19% इन तीनों का कंटेंट होता है इसमें, अच्छा तो इट्स हेल्दी और फॉर स्प्रे, और स्प्रे में भी अच्छा और इसको लिक्विड में भी आप तो इनको दे ये सकते जो हो। आपने लगाया हुआ है, ये इसका एरिया कितना होगा सर? ये 250-250 गज के करीब जगह है हमारा, अच्छा, उसके अंदर ये हमारे 800 पाइप्स। होल्स हैं, अच्छा, 800 एट हंड्रेड होल्स हैं। होल्स हैं, हाँ उसमें से हाँ हमने आधे लगाए हैं, 400 लगाए हुए हैं, अच्छा। 800 में से 400 होल्स में हमने पौधा लगाया हुआ है, तो बाकी आपने एक छोड़ दिया है यहाँ पे हाँ ऐसे जो बीच है में ना? एक दो हाँ, छोड़ इस दिए हैं तरीके बीच से में से, बीच में गैप बना के रखा हाँ हुआ है। जिसमें से 400 के हाँ नियर अबाउट हमने प्लांट्स इसमें लगाए हाँ हैं। हाँ अच्छा, पूरा ये आपने कवर, ये इसका रूप भी और बाउंड, ये सारा कवर किया हुआ ये है? कवर किया हुआ है, हाँ इसको सिर्फ ये जो ग्रीन नेट है ये हमें ज़्यादा, अगर धूप इसको ज़्यादा मिले तो उस टाइम पे हमें इसको ऊपर करना पड़ता अच्छा, तो ये दूसरी साइड में। अच्छा, वो आपका ये जो है पंपिंग सिस्टम इस साइड में है, जी। और ये जो नाइट्रोजन ये फास्फोरस बोल नाइट्रोजन रहे हैं, एक उन्हीं के ड्रम है NPK या? एक NPK का इसमें है, एक ये NPK है, ये NPK का है। अच्छा, पास सेटिंग वाटर रेजिस्टेंट एडहेसिव। अच्छा, ये नहीं एनपी। ये अच्छा, ड्रम किसी ड्रम और के चीज अंदर का है। है, हाँ ड्रम किसी हाँ और चीज का है, बट अच्छा, ये ड्रम जो के अंदर है एनपीके के। NPK का हमने वो जो घोल हाँ बना के रखा है वो है, हाँ और इसमें हमने कैल्शियम है, इसमें सल्फर है, नाइट्रोजन है, ये सब कुछ चीजें हैं इसके अंदर जो ऑलरेडी इसमें हमने उसको अच्छा, मिक्सर करके मिक्स रखा किया हुआ हुआ है, है, मिक्स करके वाटर रख। कंटेंट में है ये सब। ये अच्छा, वाटर के अंदर वाटर ही कंटेंट मिलाया हुआ हाँ है। इसमें मिला के रखा हुआ है, इसकी हमने कुछ क्वांटिटी डालते हैं इसमें, जिसके साथ फ्रूटिंग के ऊपर इसकी TDS वैल्यूज जो होती है वो होनी हाँ चाहिए कम से कम 2000, नियर अबाउट 2000 TDS अच्छा वैल्यूज, अच्छा TDS जो है। TDS, अच्छा, और उसके लिए हमें ये डालना पड़ता है इसमें, ये पूरा पंपिंग प्रोसेस उस पंपिंग तरीके से। प्रोसेस है। ये और 500 ये, लीटर्स का टैंक है हमारा हाँ, ये तो प्रॉपर सेटिंग है। पिछली जी वीडियो में हमने जो देखा था वो तो मैन्युअली किया हुआ था, जी यहाँ पे जी तो ये ये प्रॉपर प्रॉपरली। हमने शेडिंग के साथ हाँ, किया हुआ है। और इसमें ये जो लगाया इसमें हुआ है, हमारे टेस्टिंग लेवल के ऊपर स्ट्रॉबेरीज चल रही हैं, अच्छा, ये स्ट्रॉबेरी ये है। स्ट्रॉबेरी है, और अभी आप दिखा रहे थे फूल वगैरह इस पे आ हाँ चुका है। स्ट्रॉबेरी पे एक आया है ये रहा, ये इस पे फ्लावरिंग आई हुई है और आज की डेट जो है ना, ये 14 दिसंबर 2018 है, जी और ये दिसंबर का सीजन है, जी तो दिसंबर का जो, ये विंटर में ही लगती है स्ट्रॉबेरी? स्ट्रॉबेरी की लगती विंटर्स में ही है, बट ये अगर हम इसको रखना चाहें तो समर्स में भी ये मरती नहीं है, अगर ज़मीन में तो हमारी हाँ ट्रायल हाँ ये है कि ये ज़मीन में मरती नहीं है, तो इसमें हम इसका, ट्राई कर रहे हाँ, हैं जो फ्लोरिंग है उसमें ये सारा का सारा कंक्रीट टाइप का रखा हुआ है। जी, ताकि इसमें पानी ना हो, अदरवाइज कीचड़ हो जाता है, कीचड़ में फिर चलना, बारिश हो जाए तो चलना और पानी गिर तो जाए तो मुश्किल हो इसमें जाता जो है। रेशो है, अभी कोई लास्ट वीडियो में मुझसे पूछ रहा था कि इनका रेशो कितना रखना चाहिए, पीएच कितना रखना चाहिए? pH चाहिए हमें 6.5 से लेके 7 तक, अच्छा। 6.5 to 7, और pH वैल्यूज जो है TDS की रेशो तो NPK 19-19-19 यूज होता है हमारा, और एक जो दूसरा है उसका कंटेंट हमें बाहर से परचेज करना पड़ता है, उसको मैं नहीं बता पाऊंगा। अच्छा, तो एक जो टमाटर का प्लांट है उस पे कितने ये टमाटर लग रहे हैं अभी? ये ऑन एवरेज अभी ये 3, 2, 5 और 1, 6, 5, 11, 15 12, 20 पंद्रह, टमाटर के, बीस और मतलब ये हुआ कि 1.5 किलो के आसपास टमाटर अभी हाँ लगेगा। लगेगा आराम हाँ, से, एक कम पौधे के से ऊपर आएगा एक पौधे के ऊपर आएगा आपका ये है कि कम से कम जो है ना 1.5-2 किलो तो होगा। आ जाएगा आराम से। अच्छा, ये इधर वो साल्ट वगैरह रखे हैं? ये नहीं, ये हमने खुद अपने जो अच्छा प्यार किए हुए हैं अच्छा 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 जो लास्ट टाइम आप बोल चिल्ली, रहे थे। हाँ चिल्ली पेपर अच्छा, इंसेक्टिसाइड है हाँ ये अच्छा, रेपेलेंट है बेसिकली, ओके ओके, जो ये केमिकल है।
केमिकल्स हम स्प्रे नहीं करते इस पे, जैसे गार्लिक गार्लिक हाँ। का रखा हुआ हमने, गार्लिक को क्रश करके पानी के साथ थोड़ा सा बॉईल किया और उसको रख दिया। अच्छा, ये चिल्ली को बॉईल किया और हाँ, वो रख दिया। नीम बन हमें बाजार से लेनी अच्छा, पड़ती है। और ये गोधन अर्क है, ये गोधन अर्क है। अच्छा, ये जो लास्ट में आपने बताए थे जब वो ऑर्गेनिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जी 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 जी, ये उसके लिए है, ये उसके लिए ऑर्गेनिक स्प्रेज के लिए। ये रेपेलेंट है बेसिकली, इसके साथ जो कीट पतंगे जो कुछ भी है वो हाँ। कोई भी इसके ऊपर आके बैठता नहीं है, अंदर नहीं आता, इंसेक्टाइड दूर रहते हैं, इससे मरते नहीं है, दूर रहते हैं, दूर रहते हैं। चिल्ली से और गार्लिक से, गार्लिक से इसकी खुशबू से ही वो भागते हैं पीछे। तो मतलब ये सिंथेटिक भी है और एक तरीके से, और दूसरा ये ऑर्गेनिक भी है जी। तो अभी आप देख सकते हैं कि एक प्लांट जो है उसपे जो है ना 2 किलोमीटर के आसपास टमाटर लग रहा है, और एक पाइप के अंदर जो है ये जो होल हैं ये 20 या 20 से भी ज्यादा होंगे। तो एक प्लांट के अब आप कैलकुलेट कर लीजिए, टोटल 45 हाँ, ये पाइप्स हैं हमारे पास, 45 × 20 900 800 समथिंग है इसमें टोटल जो है हाँ, जो होल्स हैं जो हाँ, वो टोटल 810 है। तो अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखी जाए तो इसकी जो फसल है वो कितने दिन में तैयार हो जाती है सर? 3 महीने का टाइम है सर इसको, 3 महीने के, 3 महीने में ये हाँ, थर्ड मंथ चल रहा है तो हमारा रेडी तो है। अभी ये तैयार हो चुकी है, और ये सितंबर लास्ट में लगाया था और अक्टूबर नवंबर और दिसंबर में इसकी फ्रूटिंग रेडी है। और यहाँ पे क्वालिटी ऑफ जो इसका टेस्ट जो है देसी जो टमाटर है उसके टेस्ट के कंपेरेटिव, ये सैलेड में जो यूज होता है हमारे जो उसमें यूज होता है ये सारा, और अच्छा अच्छा टेस्ट होता है इसका, टेस्ट अच्छा है इसका। ओके, तो ऐसा आप ये देख सकते हैं कि अभी टमाटर पक चुके हैं और ये बिल्कुल रेडी है मार्केट के लिए, और बीच बीच में हम बीच में तो नहीं जा रहे लेकिन आप देख सकते हैं हाँ ये इस साइड से। ये ऐसे लटके हुए ना जैसे अंगूर लटके हुए हैं बीच में, तो बिल्कुल ही ऐसे हैं। तो हाइड्रोपोनिक जो अभी ये खेती चली है ये बिल्कुल लेटेस्ट टेक्निकल टेक्नोलॉजी है, इसराइल की टेक्नोलॉजी है ये। और जो अच्छे फार्मर हैं जो इंटरेस्टेड हैं टेक्निकल हैं वो इसको यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं, और एक साथ में ही डिफरेंट जो है ना ये इसमें क्रॉप ले सकते हैं, क्रॉप्स और बहुत सी क्रॉप्स ले सकते हैं, खीरा ले सकते हैं, कोई भी चीज इसमें लगा लो, इसमें बैंगन भी टमाटर भी खीरा भी सब इसमें। तो इसमें पानी भी सर अभी जैसे चला हुआ है, अभी पानी इसमें बहुत कम लगता है, अभी ये स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे पंप स्टार्ट कर दिया है और ये पंप से जो पानी आ रहा है अब पानी स्टार्ट आ चुका है। अब आप देख सकते हैं फ्लो ऑफ वाटर इस साइड से इनमें चल चुका है, इसमें भी पानी चल रहा है, तो ये अभी पानी स्टार्ट हो चुका है। तो कितनी बार चलाना पड़ता है सर? ये 1 घंटे में 15 मिनट, मतलब 1 घंटा बंद रहता है फिर 15 मिनट के लिए। अच्छा, इतना इतना वो टाइम टू टाइम इसकी रेशो चेंज होती रहती है, टाइम टू टाइम इसकी रेशो चेंज है। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है हाइड्रोपोनिक से रिलेटेड, हाइड्रोपोनिक जो फार्मिंग है, तो मेरे साथ में हेमंत सर हैं जो इसके एक्सपर्ट हैं, तो वो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर ज़रूरी हुआ, अगर आपको बहुत ज़रूरी हुआ तो व्हाट्सएप नंबर या मोबाइल नंबर, ईमेल, कांटेक्ट जो भी है वो आप ले लेना। सो थैंक्स फॉर दिस वन, एंड आई होप कि आप इंजॉय करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे।